हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा क्रिकेट प्रेडिक्शन में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया टीम, इंडिया का टीम स्क्वाड क्या है वर्ल्ड कप 2022 के लिए। अब देखो, वर्ल्ड कप का शोर चल रहा है जो कि आपको 14 या 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और पूरा टीम स्क्वाड किस किस को चुना गया है, ठीक है, टीम इंडिया की स्ट्रांगनेस क्या है, वीकनेस क्या, सारी चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज़रूरी, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 8447935397। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी को टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं कि राजा भाई टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दो, हम आपको व्हाट्सअप पर भी टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इंडिया ने इस बार अपना जो टीम स्क्वाड है वो कैसा रखा है। तो देखो, आपके सामने है पूरा ये टीम इंडिया का स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए। इसमें पूरे 16 वो खिलाड़ी हैं जो चुने गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। और इसके साथ साथ चार प्लेयर ऐसे भी हैं जो स्टैंड बाई प्लेयर्स, स्टैंड बाई आपको दिख रहा होगा राइट साइड में कॉर्नर में, जो छोटे से थोड़ा हेड में दे रखा है मैंने, जिसमें है मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, दीपक चाहर। अब सबसे पहले ये जान लीजिए स्टैंड बाई प्लेयर क्या होते हैं। स्टैंड बाई प्लेयर वो होते हैं, मान लीजिए कि ऊपर हमारी टीम में से किसी एक गेंदबाज चोटिल हो जाता है, दो हो जाते हैं, कुछ भी बैट्समैन हो जाता है, तो जो नीचे हैं स्टैंड बाई वो उनकी जगह ले सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से ये ऑप्शन होता है, ये साथ में जाता है टीम के, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम रोहित शर्मा से, कप्तान साहब से। देखो, तो रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपने देखा होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करी है और ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत खुशी वाली बात है कि रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है ना। दूसरी खुशी वाली बात एक और है, विराट कोहली। विराट कोहली का फॉर्म में आना भी मतलब बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस टाइम पर आना। कोई संदेह नहीं है, विराट कोहली बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, ठीक है ना। सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में आते हैं और इनका फॉर्म में आना सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जो भी भारतीय है या भारत से बाहर भी जो देखते हैं क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो इनका खेल देखना पसंद करते हैं, वो सब इनको पसंद करते हैं। तो ये दोनों फॉर्म में हैं तो इंडिया की आधी जान, ये ऊपर का जो टॉप ऑर्डर होता है ना 1 2 3, इसमें दो बल्लेबाजी फॉर्म में होते हैं तो मज़ा आता है। ये दोनों फॉर्म में आ चुके हैं। अब बात करते हैं केएल राहुल की। देखो, केएल राहुल थोड़ा सा अनफॉर्म चल रहे हैं, लेकिन कोई डाउट नहीं है कि इन्हें एक मैच लगेगा सिर्फ अपनी फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज हैं लगातार अनफॉर्म नहीं रहते हैं और जब ये फॉर्म में आते हैं तो देखा होगा आपने आईपीएल में किस तरह की मार मारी थी, उसी तरीके से ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 पर जो खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव। ये तो खेलेंगे डेफिनेटली, जो ऊपर के 4-5 हैं, ठीक है ना। सूर्य कुमार यादव आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के तीसरे मैच में किस तरीके से गेंदबाजों की धुनाई करी है और ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस बार, फॉर्म में है और फॉर्म में ही नहीं है मतलब एक क्लासिकल बल्लेबाज है, इनके शॉट देखने में मज़ा आता है, ठीक है। भारत का इन्हें 300 डिग्री 360 डिग्री कहा जाता है, जैसे कि डिविलियर्स खेलते हैं उसी तरीके के कुछ शॉट ये भी मार लेते हैं। अब बात करते हैं दीपक हुड्डा की। देखो, दीपक हुड्डा को इनाम मिला है आईपीएल में एक अच्छी परफॉर्मेंस करने का और उसके बाद जब जब इन्हें मौका मिला है तब तब इन्होंने रन बनाए हैं। एक इन्होंने T20 शतक भी बनाया है जब इन्हें ओपनिंग करवाई थी अभी, ठीक है ना। तो इन्हें इस चीज़ का मौका मिला है, इनाम मिला है, इन्हें चुना गया है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। अब वो डिपेंड करता है टीम सिचुएशन पर, ग्राउंड पर, कि कहाँ मैच हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है, कि इन्हें खिलाया जाता है या नहीं खेलते हैं, ठीक है ना। पर उम्मीद है कि ये खेलेंगे वहाँ पर, ठीक है। ये बॉलिंग से भी काफ़ी हेल्प करते हैं। दूसरी बात, अब दो विकेट कीपर है हमारे पास, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक। अब देखो, विकेट कीपिंग की बात करी जाए तो नो डाउट ऋषभ पंत बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बल्लेबाजी की बात करी जाए और इस टाइम की बात की जाए इन फॉर्म की, तो एक फिनिशर की तरह, तो दिनेश कार्तिक बहुत अच्छे टच में हैं लगातार, तभी उन्होंने इतने टाइम बाद वापसी करी है टीम इंडिया के लिए और सबसे बड़ी चीज़ भारत के लिए वर्ल्ड कप में चुने गए हैं। तो मुझे लगता है पर्सनली कि दिनेश कार्तिक की तरफ जाएगी टीम इंडिया विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी के लिए। लेकिन हाँ, एज ए बैट्समैन अगर खिलाना चाहती है कभी तो ऋषभ पंत भी खेलेंगे फिर, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ मैचों में आपको दोनों देखने को मिले, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन का अगर टीम को संतुलन बना के चलना है तो ऋषभ पंत को खिलाएंगे, क्योंकि जडेजा इस बार वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुने गए हैं, वो चोटिल हैं। अब बात करते हैं हम हार्दिक पांड्या की, जो हमारे ऑलराउंडर हैं दूसरे, पहले तो दीपक हुड्डा हो गए। तो हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी फॉर्म में है, देखा होगा गुजरात को कप जितवाया है इन्होंने, ठीक है। तो बॉलिंग से भी बैटिंग से भी दोनों तरह से मतलब ये काम कर रहे हैं, तो ये पांचवें गेंदबाज की भूमिका भी इंडिया के लिए निभाएंगे। अब बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम बॉलिंग की तरफ, ठीक है। बॉलिंग या अभी एक ऑलराउंडर और रह गए हमारे, अक्षर पटेल दूसरी वाली रो में आपको दिख रहा होगा तीसरा नाम, अक्षर पटेल। देखो, अक्षर पटेल से मैं प्रभावित हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जिस तरीके की गेंदबाजी करा रहे हैं ये बहुत मज़ा आ रहा है, तो ये पक्का खेलने वाले हैं, ये खेलेंगे। इसके साथ दो स्पिनर हैं हमारे, मैन स्पिनर जो टीम में चुने गए हैं, रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल।
देखो कोई, ये दोनों ऐसे हैं कि किसी को नाम की कोई मोहताज नहीं है, जानते हैं आप सबने इनका नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको देखेंगे और अपने इंडिया के बेस्ट स्पिनर हैं ऑब्वियसली, तो खेल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अक्षर पटेल के साथ टीम कभी युजवेंद्र चहल को खिला रही है, कभी अश्विन को खिला रही है, कभी कभी आपको मिलेगा देखने को कि अक्षर पटेल को बिठाल दिया है और अश्विन और युजवेंद्र चहल खेल रहे हैं। वो डिपेंड करेगा ग्राउंड कैसा है, किस तरीके ग्राउंड चल रहा है, कहाँ पर मैच हो रहे हैं। क्योंकि देखो तो पर्थ में मैच होगा वो अलग तरीके की पिच है बहुत ज़्यादा, मेलबर्न में होगा तो वो अलग है, ठीक है ना, एडिलेड में होगा तो वो अलग है। तो सारे ग्राउंड अलग लेवल के होते हैं, पिच अलग होती है। अब बात करते हैं भारतीय सीमर्स की, यानी फास्ट बॉलर्स की, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह। तो कोई इसमें सिर्फ एक नाम ऐसा है जो फॉर्म में नहीं है, और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूँ इस चीज़ से कि अनफॉर्म को आपने टीम 15-16 में रखा है, पर ठीक है, टीम मैनेजमेंट का है जो भी है। भुवनेश्वर कुमार, तो वो जिस तरीके की गेंदबाजी कराई है भुवनेश्वर कुमार ने, वो बहुत मतलब कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। 18वां ओवर 2, 19वां ओवर 2 पिटाई हो रही है, 20 रन, 22 रन। तो ये डायरेक्ट बॉलर के मतलब कोई वो नहीं है कि बॉलिंग इतनी मतलब बेकार करके जा रहे हो आप। बाकी टीम फास्टर में तीनों अच्छे हैं, जसप्रीत बुमराह हो गए, हर्षल पटेल हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए। तो टीम बहुत संतुलित चुनी है और टीम बिल्कुल सही चुनी है। अब मैटर क्या करता है, मैटर ये करेगा कि ये टीम मैनेजमेंट, कप्तान, ये पूरा सब कुछ कि किस टीम को उतारता है। कोई डाउट नहीं है कि टीम बहुत अच्छी है। अब एक बार बात कर लेते हैं स्टैंड बाई प्लेयर्स की, जो एक ऑप्शन के रूप में है कि हमारे मेन प्लेयर्स को अगर चोटिल होते हैं, कुछ भी होता है, तो उनकी जगह लेने के लिए। तो इसमें आपको दो फास्ट गेंदबाज मिलेंगे, फास्टर मोहम्मद शमी और दीपक चहर। इसके साथ एक स्पिनर है हमारे रवि बिश्नोई, ठीक है ना, एंड फोर्थ है श्रेयस अय्यर, जो एक बल्लेबाज है। मान लीजिए कि ये बल्लेबाज चोटिल हो जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें बैठना पड़ रहा है बाहर, तो श्रेयस अय्यर उनकी जगह ले सकते हैं आके। ये होता है स्टैंड बाई। तो टीम संतुलित मतलब टीम बहुत अच्छी है जैसे लेके जा रहे हैं जिस तरीके से, और पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारा देश वर्ल्ड कप जीते, हम भी विश कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी करिएगा। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमारे टॉप जो बैट्समैन है, 1, 2, 3, 4, ये फॉर्म में है, जब जब ये रन बनाएंगे तो हमारी टीम जीतेगी। अब बात करते हैं थोड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में कि भाई टीम की स्ट्रेंथ क्या रहेगी इस बार और वीकनेस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो टीम की स्ट्रांगनेस है, यानी कि स्ट्रेंथ है, पावर है, वो है स्ट्रांग टॉप ऑर्डर्स की, टॉप ऑर्डर का फॉर्म में आना और स्ट्रांग होना, यानी कि जैसे कि विराट कोहली, बंडाउन, ओपनिंग केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये टॉप ऑर्डर होता है जो तीन होते हैं। तो ये तीनों हमारे टॉप हैं और बहुत अच्छे हैं, जिसमें से दो फॉर्म में भी हैं, और दुआ करते हैं तीसरे भी केएल राहुल फॉर्म में आ जाए और पहले मैच से ही रन बनाए। उसके बाद क्वालिटी स्पिनर हमारे पास देखो एक नहीं दो तीन क्वालिटी स्पिनर है। अक्षर पटेल बहुत अच्छी फॉर्म में है, युजवेंद्र चहल और रविंद्र चंद्र अश्विन। नंबर तीन गुड ऑलराउंडर, हमारे पास ऑलराउंडर ठीक हैं जो जैसे कि अक्षर पटेल हो गए, दीपक हुड्डा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए। तो हमारे पास ऑलराउंडर में भी अभी ऑप्शन है। अब बात करते हैं वीकनेस की, कमजोरी क्या लग रही है कि भी क्या क्या है। तो वीक मिडिल ऑर्डर, तो को बीक मिडिल ऑर्डर का मतलब है कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है टीम इंडिया का, वो इतना ज़्यादा संतुलित नहीं है। देखा है कि अगर ऊपर की टीम बिखर रही है तो नीचे से कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिले मिलती है देखने के लिए, तो ये हमारा थोड़ा वीक पॉइंट है। इसके बाद लैक ऑफ पावर हीटर, देखो नीचे पावर हीटर की कमी है, नीचे पावर हीटर की कमी है, सिर्फ हार्दिक पांड्या है नीचे और नीचे कोई दूसरा कोई पावर हीटर नहीं है, ठीक है ना। जो एक होता है ताबड़तोड़ वो नहीं है, टिम डेविड इस तरीके से, जैसा ऑस्ट्रेलिया के पास है टिम डेविड। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की जो वीकनेस में है, वो है सम प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म, कि सम प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है। जैसे कि अगर विकेट कीपिंग के लिए खिला रहे हैं हम ऋषभ पंत को, तो वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और दूसरा एक बॉलर है हमारे भुवनेश्वर कुमार, वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, केएल राहुल हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़े से हमारे वीक पॉइंट हैं, बट ओवरऑल हमारी टीम बहुत अच्छी है। बाकी हर टीम में एक वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें मिलती हैं आपको देखने को, तो इस सीरीज में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि और भी आपको वीडियो डेली मिलेंगी, हम डेली पोस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें। विनिंग टीम आपको हमारी व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर मिलती है, व्हाट्सअप का नंबर है 8447935397, 84 47 93 53 97, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।